नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट द वॉरियर। वॉरियर के हमारे मेहमान हैं बंजारा फिल्म्स के निर्माता निर्देशक सुरेश जी वर्मा बंजारिया। सुरेश जी, आपका ढेर सारा स्वागत है। आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इन दिनों, देखा जाए तो आपने पिछले 25 सालों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री, यूँ कहे कि एक उभरते निर्माता निर्देशक के बतौर जाने पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि आपकी इतनी मूवीज़ तो आई गई है कि आपको पहचाना जा सके। किस तरह इसकी शुरुआत हुई है, आपका बाल्यकाल कहाँ गुजरा है, आखिर वो मन में कौन सा सपना लेके आप निकले हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मेरा बाल्यकाल तो देवास में और सांवेर में गुजरा है जी। और एक मेरे दादाजी का जो सपना है जी, बस उसे मैं जी रहा हूँ जी। और उन्हीं के एक छोटी सी कहानी में अगर मैं कहें तो आप बता देता हूँ। बिल्कुल संक्षिप्त में बता दी। एक बार ताई सांवेर में आई थी तो वहाँ पर हमारे दादाजी ने और कुछ मौल्यानों ने मिलकर उनका स्वागत रखा था जी। तो उसमें कुछ ताई ने मुझे दुलारा था कि एक दिन ये बच्चा जरूर नाम रोशन करेगा जी। तो वही दादाजी ने काफ़ी समय तक कहते रहते नाम रोशन करेगा, तो बस वही एक ललक थी कि अब दादाजी ने कहा है तो नाम रोशन तो करना पड़ेगा जी। जी, तो इसी बस उसी सफ़र में एक फिल्म की लाइन की तरफ में बॉम्बे की ओर मेरा रुख हुआ जी। और बस बॉम्बे ने ही मुझे धीरे धीरे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी है वो बॉम्बे ने धीरे धीरे एक मुकाम मुझे दिया है और अभी भी मेरा प्रयास जारी है। कहते हैं कि आप बचपन में नाम रोशन करेगा कोई छोटा जो आपका जो बाल मन था वो इस तरह नाम रोशन करना समझता था जैसे एक बल्ब पर अपना नाम लिख के उसको रोशन कर दिया जाए। किस तरह की कहानी होती थी, टीवी खोलकर टीवी के अंदर कैसे घुसा जाए, किस तरह का पूरा वो पूरा रोचक किस्से है, किस तरह की किंवदंती आपके साथ जुड़ी हुई? वो दादाजी की एक रट थी कि नाम रोशन करेगा मेरा पोता, तो मैं अपना नाम लिखकर बल्ब के ऊपर रबड़ से लगा देता था कि नाम रोशन हो गया जी। तो फिर किसी ने बताया ऐसे नाम रोशन नहीं होता, टीवी में जाने से होता है जी। तो अपना नाम लिखकर टीवी के अंदर डालने लगा, उसे खोलकर उसके अंदर, तो इस तरह से बस वो नाम रोशन करने की कुछ बालपन था, तो इस तरह की चीज़ें करते थे। मेरे कहीं अच्छे बुद्धिजीवी लोग मिले हैं, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और आपको जो आप चाहते हैं वो मुकाम आपको यहाँ नहीं बॉम्बे मिलेगा जी। और मैंने फिर उधर ही का रुख किया और वहीं से जो भी है मुझे धीरे धीरे बॉम्बे से ही जितनी फिल्म लाइन का जो काम है मैंने वहीं पर सीखा है जी। और किसी तरह का कोई कोर्स नहीं किया है जी, मुझे बस सहायता मिलती गई उस मालिक की और मैं बढ़ते गया। एक किस तरह का स्ट्रगल कहे कि क्योंकि अचानक एकदम मन में एक सपना समझाया है कि मुझे फिल्म सेक्टर में काम करना है, फिल्में बनाना है, और आपने अपना मूव कर दिया कुल मिला के मुंबई की तरफ, माया नगरी में पहुँच गए आप, और काम की तलाश किस तरह की, कितने रोचक किससे जुड़े रहे आपके जीवन में? मैं मुझे याद है शायद मैं 16 या 17 साल का हूँगा जी। जी, उस समय मैं बॉम्बे के लिए मैं इंदौर से जो एक अवंतिका करके ट्रेन चलती उसमें बैठा जी। और मैं बॉम्बे में गलियों में कई जगह घूमा, एक होटल में पहले एक आध दिन लॉज में रहा जी। फिर वहाँ से मैंने एड्रेस निकाला फिल्म सिटी का जी। फिल्म सिटी गया, फिल्म सिटी के अंदर मुझे कुछ लोग मिले वहाँ पर जी। तो वहाँ पर एक दत्ता बहू करके ऐसा कुछ उनका नाम था जी। तो वो मुझे मिले जी। वो सेट डिजाइनर थे, सेट बनाते थे जी। तो उनसे मेरी चर्चा हुई, उन्होंने बोला आप यहाँ क्यों आए हैं, मैंने उनको अपनी पूरी मंशा बताई मैं इसलिए आया हूँ, तो बोले ये तो एक मजदूरी का काम है, कर सको कि गड्ढे खोदना है यहाँ पर, जब जाके फिल्मों में आप आओगे जी। मैंने मैं करूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले उठाओ पट्टी और चलो सेट ठोको जी। तो उन्होंने मुझे फिर सेट ठोकना, धीरे धीरे वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है जी। फिर वहाँ फिल्म सिटी में रहते हैं वहीं पर संतोष नगर में मैंने एक खोली, उन्होंने मुझे दिला दी और मैं वहाँ पर रहने लगा। धीरे धीरे वहीं पर बड़ी बड़ी फिल्में शूट होती थी जी। तो उनसे मैं गुजारिश कर कर वहाँ पर काम ले लेता था कि आप मुझे दीजिए, चाहे पैसा ना दो पर मुझे काम जरूर का, काम महत्वपूर्ण। तो मैं बस इसी तरह से काम करते करते सीखते गया, लोगों ने निखारते गए कि आप राइटर हो, राइटर के साथ अब डायरेक्टर भी बनो जी। तो उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर करने लगा, धीरे धीरे करते करते वहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर फिर घर वालों का दबाव आया कि आप कहाँ भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वापस फिर मैं घर की ओर रुक किया जी। फिर मैंने क्या इस फील्ड को छोड़ना तो नहीं है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब 2-3 साल वहाँ गुजार लिए हैं तो अब तो कुछ तो करना ही चाहिए। इस बीच आप बालाजी फिल्म में भी गए थे तुषार, हाँ वो भी एक बहुत, तुषार कपूर जी का ऐसा है कि उस फिल्म में एक इंसान फिल्म वहाँ पर शूट हो रही थी तो मैं उसके अंदर जुड़ चुका था जी। तो उनका शॉट नहीं था, वो बात कर रहे थे जब फोन पर मोबाइल पर, तो मैं उनके पास गया था जी।
मेरी उनसे चर्चा हुई कि सर मैं राइटर हूँ और इस तरह से, बोले तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं यूनिट में अभी काम कर रहा हूँ। बोले तो ये गलत है थोड़ा, उन्होंने मुझे कहा कि काम कर रहे हो और मुझसे इस तरह की चीज़ें हेल्प। मैंने सर मुझे तो सहायता चाहिए आपसे, थोड़ा सा अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मेरा भला होगा। मार्गदर्शन उन्होंने मुझे मार्गदर्शन बाकायदा किया और मुझे बालाजी टेलीफिल्म का सबसे पहले अगर किसी ने मुझे पता बताया तो तुषार कपूर जी थे, उन्होंने मुझे बालाजी टेलीफिल्म का पता बताया। और वहीं से मेरा सफर, मतलब देखा जाए तो मुझे वहाँ काम तो नहीं मिला, पर वहाँ से मुझे और दूसरी जगह का भी पता मिला कि यहाँ से भी काम मिल सकता। कौन कौन सी फिल्में हैं वो जिनमें आप रहे, काम किया? हाँ, उस समय मंगल पांडे भी वहीं पर हुई थी, इंसान हुई थी, खाकी हुई थी, और काफ़ी कुछ ऐसी फिल्में जो हैं वहाँ पर इस तरह का चल ही रहा था कुछ ना कुछ काम, तो काफ़ी कुछ वहाँ पर किया, काम किया। काफ़ी अनुभव बटोर के आप वापस देवी लिया की नगरी इंदौर आए, और यहाँ पर किस तरह से शुरुआत की? आपने बड़ा रोचक किस्सा सुनाया कि यदि शुरुआत करना है तो घर से करो, आपने कैसी शुरुआत की? बस मुझे वही मार्गदर्शन लोग करते हैं, बोले अब तुम्हें शुरुआत करना है, अब तुम सीख गए हो काम जी, आपको करना चाहते हैं तो घर से शुरुआत करें। तो घर से, मैं रजक समाज से हूँ, तो संत श्री गाड़के बाबा के बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि उन्होंने, उनके पास कुछ नहीं था मगर उन्होंने 175 निर्माण अपने जीवन में कराए, उसमें गौशाला, चिकित्सालय, यूनिवर्सिटी, ना जाने तमाम हॉस्पिटल, ऐसी चीज़ें की हैं। तो मैंने बोला क्यों ना उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए, तो उनके ऊपर मैंने काफ़ी खोजबीन की, उनकी किताबें वगैरह पढ़ी, मैं उन पर फिल्म बनाना चाहता था। पर उनको पढ़ने के बाद में मेरा विचार चेंज हुआ और वो ये नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे विचार बढ़ें। बिल्कुल सही कहा। वो स्वच्छता पे बात करते थे, बेटी बचाओ पर बात करते थे, भ्रूण हत्या पर बात करते थे, बच्चों को शिक्षित करें इस पे बात करते थे, वही उसी पे कहानी बनाकर मैंने सबसे पहले मेरे डायरेक्शन में, अगर सबसे पहली फिल्म अगर बनाई है तो संत श्री गाड़के बाबा के आदर वचन। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक लगातार अभी से फीचर फिल्म भी बनाई है, उसके बाद में अभी काफ़ी कुछ किया है। अच्छा, इसी बीच में मैं दादू महाराज संस्थान से जुड़ा हूँ, दादू महाराज जी से जुड़ा हूँ, उनका भी बहुत आशीर्वाद रहा, उनमें भी काफ़ी कुछ, मतलब वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। उनके साथ भी सामाजिक उद्देश्यों को लेकर एक फिल्म सच्ची सहायता सनी साधक की बनाई है, पर्यावरण को लेकर हमने बनाई है, प्रयास से एक छोटी कोशिश, उनके लिए एक एल्बम है टी सीरीज के लिए बनाया था हमने, गजा सिंह सनी महाराज जी। दादू महाराज जी का भी आशीर्वाद मुझ पर बहुत विशेष है। आप समसामयिक विषयों पर देखा जाए तो व्यक्ति को छोड़ उसके विचारों को ज़्यादा प्रसारित और संदेशात्मक वाहक बनने की कोशिश रहती है। COVID-19 पर भी आपने पिछले दिनों जिस तरह से माहौल बना तो आपने फिल्म तैयार की जी जी, कैसा कॉन्सेप्ट था, क्या संदेश देना चाहते थे उस फिल्म के बारे में? व्यवहारी के पूरा देश बंद था उस समय और कुछ बच्चे रहते हैं जो माँ बाप की नहीं सुनते हैं। बिल्कुल सही कहा। बस यही सब्जेक्ट मैंने उसमें लिया था क्योंकि मेरे भी बच्चे नहीं सुनते थे। बिल्कुल सही। फिर मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई जो 2.5 मिनट की थी सिर्फ, उस 2.5 मिनट में एक फैमिली को बताकर एक बच्चे की गलती बताता हूँ कि आपकी गलती के कारण कितनों को बीमारी ये लग जाएगी, तो वो भी बच्चे भी सोचने लगे हैं। और वो 2 दिन के अंदर देश में काफ़ी जगह तक मेरे हिसाब से पहुँच चुकी थी और उससे कई लोगों ने मुझे आगे रहकर फ़ोन किया है जी। बोले आपने जो संदेश दिया है वाकई में बहुत सही संदेश है और इससे अगर एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी जान पर लापरवाही, मतलब जान पर बना सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। शॉर्ट फिल्मों का माहौल है, शॉर्ट फिल्में काफ़ी संदेशात्मक फिल्में कहलाती है, कम समय में इतना बड़ा संदेश पहुंच जाता है कि व्यक्ति कई बार वो शॉर्ट फिल्म देखने के बाद अपना विचार बदल ही डालता है। किन किन कॉन्सेप्ट पर अपनी शॉर्ट फिल्में बनाई अभी तक के? पर्यावरण पर बनाई है जी, बेटी बचाओ जी, स्वच्छता है जी, और अब ये बनाई है मैंने इस पर, कोरोना पर बनाई है जी, और जो सेवा भारती RSS वाले हैं उनकी भी सेवा पर देखकर मेरे मन में आया, तो वो भी लॉकडाउन में मैंने एक फिल्म उस पर भी बनाई है और उससे भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। और मेरा एक मानना है कि कहीं ना कहीं फिल्में एक समाज का आईना है। बिल्कुल सही कहा। आज अगर ये मेरे ऐसे बाल हैं तो मैं क्यों है जी, कहीं ना कहीं मैं किसी हीरो को देखा है जी, तो मैंने इस तरह के बाल उलने लगा हूँ, मैंने शर्ट पहना है तो उस देखा है कि ये कलर उस पे जचता, मुझे भी जचेगा। तो बच्चे यहीं से सीखते हैं उसको, अगर यह चीज़ अगर हर कलाकार अच्छी चीज़ें और अच्छे संदेश अगर देने लगे तो समाज के अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। बिल्कुल सही कहा। अभी हमने एक प्रयास, एक छोटी कोशिश जो फिल्म शॉर्ट फिल्म बनाई थी उससे एक ये हुआ था कि एक बार दादू महाराज जी एक प्रोग्राम में उनको बुलाया गया था, वहाँ पर कुछ था, तो वहाँ पर आम का रस बना था जी, तो वहाँ पर उनकी फिल्म देखी वहीं के सब जो भी मंडल वालों ने जी, तो उन्होंने उस फिल्म देखने के बाद में उन्होंने बोला, बोले इसके अंदर एक संदेश है जी, कि ये गुठलियाँ नाली में ना फेंकते हुए इन्हें कहीं खुले मैदान में जी, या कहीं ऐसी जगह फेंक के आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उगी जाएगी। बिल्कुल, पर्यावरण का संरक्षण होगा।
ऐसा ही कुछ किया। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी एक बड़ी फिल्म भी है बड़े पर्दे की, किस तरह वो तैयार हुई है, क्या विषय है और किस तरह का रिस्पॉन्स था? वो भी एक बड़ी अच्छी कहानी, हम कुछ लोग दोस्त थे, किसी को हीरो बनना था, किसी को राइटर बनना था, तो उन लोगों को साथ में लेकर मैंने एक सपना बना हकीकत फिल्म बनाई थी जो कि एक क्राइम के ऊपर आधारित थी और बहुत अच्छी। हम लोगों के साथ बजरंगी भाईजान के साथ वो फिल्म हमने लगाई थी। मुझे याद है कि बजरंगी भाईजान का पहला शो 70,000 रुपये का कुछ ऐसा था और हम लोगों का वही 27,000 रुपये के करीब पहला शो था। मतलब हम लोग उस पिक्चर को टक्कर कहीं ना कहीं दे रहे थे। पर बारिश का समय था और अधिक बारिश होने के बाद में वो चलता रहा। मतलब फिल्म हमारा भी लोगों ने बहुत पसंद किया। आपको ऐसा लगता है कि कोई सी भी दुनिया हो, भले ही फिल्म दुनिया हो, उसमें भाग्य भी खूब काम करता है कई बार। बिल्कुल, आप जैसे स्ट्रगल करने वाले लोग बड़ी सोच के साथ में छोटे छोटे संसाधनों से आगे बढ़ने की जो आपकी कोशिश होती है, बड़ी जीवटता के साथ में आप कोशिश करते हैं कि नहीं, हम जो बना रहे वाकई उस टक्कर की चीज़ें बना रहे, शायद बड़े बैनर के लोग बना रहे होंगे वो चीज़, कभी मन में किस तरह के भाव आते हैं? क्यों नहीं, मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं बड़ी फिल्म समझ के ही बनाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं यशराज बैनर के लेवल की फिल्म नहीं बना सकता। बना सकता हूँ, बनाई है मैंने, वो मेरे स्तर का काम मेरा है, उनके स्तर का उनका है। बस पब्लिक तक पहुँचाने में हम लोग कहीं ना नाकाम हो जाते हैं, प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन उस तरह से पैसा हम लगा नहीं पाते बराबर। पर उनसे कहीं ना कहीं कहूँगा तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि अच्छी बना रहे, पर हम यह है कि फिल्म में बहुत अच्छा प्रयास उनसे हम लोग कर लेते हैं और एक दिन ये आएगा कि वो लोग भी कहेंगे कि काफ़ी अच्छी फिल्म है, ये लोग भी बना लेते हैं। देखा जाता है, जिससे महाराष्ट्र में एक फिल्म चली थी, बहुत कम बजट में फिल्म बनी थी और उसके बाद में उस फिल्म ने कहीं ना कहीं कहे कि मराठी फिल्मों के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम कमाया और बहुत बड़ा बिजनेस भी किया है। वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैंगे जामखेड़ साइड से रहने वाले, सैराट जो फिल्म बनी थी, वो सैराट का जो एक पूरा माहौल देख रहा हूँ मैं, वही चीज़ आप में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही। आप कभी अपने आप को आकर्षित करते हैं कि इस तरह का माहौल, इस तरह का समय आपके लिए भी ईश्वर तैयार करके देगा? बिल्कुल देगा। मैं चाहता हूँ ये इंदौर ही मेरा कार्य क्षेत्र बने, बॉम्बे तो है ही पर इंदौर से, मैं इंदौर के अंदर काफ़ी अच्छे कलाकार हैं जो उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनमें प्रतिभा है पर घर की जवाबदारी होती है तो वो वापस लौट कर आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो मैं चाहता हूं कि अब जो भी काम करना है मुझे इंदौर से ही करना है, यहीं के कलाकारों को मौका देना है और यहीं के लोगों को बढ़ाना है। अभी तक आपने ढेर सारी फिल्में की, शॉर्ट फिल्में की, जाहिर सी बात है कि आपके पास ढेर सारे कलाकार इंदौर से जुड़े हुए होंगे जो अलग अलग रोल में काफ़ी फिट रहते होंगे। ऐसे कितने कलाकार हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हो? कुछ तो कलाकार ऐसे भी होंगे जो आपके साथ जुड़े और मुंबई की माया नगरी पहुँचे और कहीं ना कहीं सफल भी हुए। काफ़ी है, सफल हुए हैं, क्राइम पेट्रोल में आए हुए हैं, स्टार प्लस पे काफ़ी है, स्टार प्लस के कुछ सीरियल हैं उनके अंदर भी अपना बड़े अच्छे लगते हैं। इसके अंदर भी हम लोगों ने जो करा था, एक सेम पेमाल करके हैं जो सपना बना हकीकत के अंदर था, उसने काफ़ी अच्छा बॉम्बे में नाम कमाया है और ऐसे लगभग मैं एक इस कहानी लिखता हूँ उसमें कैरेक्टर बहुत रखता हूँ, ज़्यादा कलाकारों को मौका मिल सके। बिल्कुल सही, ये मेरी एक सोच रहती है कि भले छोटा रोल रहे पर कलाकार ज़्यादा होना चाहिए, तो उससे एक कलाकार को अपने आप में देखने को मिलता है कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं, मुझे अब आगे बढ़ना है कि नहीं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया, प्रयास किया, मुझे मालूम पड़ जाता कि मैं हूँ कि नहीं उस लायक, तो नहीं हूँ तो मैं पीछे हट जाता हूँ, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बस यही मेरी सोच रहती है कि इंदौर के कलाकारों को अगर वहाँ बॉम्बे में मंच नहीं मिल रहा है तो उन्हें यहाँ से तैयार करके बॉम्बे भेजें ताकि वो बॉम्बे में एक अच्छा मुकाम कर लें। बिल्कुल, अगर उनका यहाँ पर बेसिक हो जाएगा तो वहाँ तो फिर वो बहुत अच्छी तरह से पास हो जाएंगे, ये मेरी एक सोच रही। COVID-19 के बाद में काफ़ी माहौल बदला है बॉलीवुड का भी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो शॉर्ट मूवीज़ काफ़ी बन रही, वेब सीरीज़ काफ़ी बन रही, किस दिशा में अब बढ़ रहा है पूरा काम, आप किस तरह से इसको लेते हैं, क्योंकि आप सब कुछ नया हो रहा है? सब कुछ नया हो रहा है मेरी, मैं अभी दो फिल्मों पर काम कर रहा था, एक लव स्टोरी थी बर्बाद और एक साईनाथ करके मैं फिल्म बनाने वाला था, तो अभी मेरा मन उधर से हट चुका है क्योंकि अभी थिएटर वगैरह ओपन है नहीं, किस तरह से रिलीज करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म वगैरह है उस पर अभी हम लोग इतना कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग छोटे बैनर वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश यही है कि अब वेब सीरीज की ओर जाया जाए, शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज, और यही अभी किया जाए। इसी बीच में मैंने अभी एक दो दिन ही हुए हैं, मैंने एक चेयर करके वेब सीरीज बना रहा हूँ जो एक हॉरर टाइप की स्टोरी है, और मैं उसके अंदर टोटल इंदौर के ही कलाकारों को मौका दूंगा और उन्हीं के साथ काम करूंगा। बार बार एक बात सुनने में आती है, अखबारों में खबरें आती है कि अब फिल्मी दुनिया
का रुख जो है मध्य प्रदेश की ओर होगा, क्योंकि पर्यटन दृष्टि से देखा जाए या फिर बड़ी फिल्मों को भी देखा जाए तो कई बड़ी फिल्में एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में खासतौर से मालवांचल में खूब शूट हुआ है। आप किस तरह लेते हैं, कितने भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि यहाँ आसपास के जो स्पॉट्स हैं वो वाकई शूट के योग्य है, फिल्में शूट की जा सकती है, भले ही कोई सी भी फिल्म हो? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे, क्योंकि अभी दो चार दिन पहले ही बॉम्बे वालों का जो मेरे मित्र हैं उनका फ़ोन आया था, बोले आपके पास तो लोकेशन है और आप बॉम्बे से बाहर हैं। बिल्कुल सही। बोले अभी यहाँ तो शूट जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। बोले आप अब आपका समय है, आप वहाँ से अब शूट करो, वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ बनाइए और जो लोकेशन एमपी में मिलेगी आपको जी, वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत देखा जाए तो एक पुराना इतिहास, कहें महेश्वर चले जाएं, चाहे इंदौर का अपना राजबाड़ा हो, छतरी हो, काफ़ी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर वो थोड़ा भी दिखा देते तो वो बॉम्बे में उसे तो भव्य कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का सेट वो बना नहीं सकते। तो उनका यही कहना है कि आपका समय अब शुरू हुआ है, हम लोगों का तो डाउन हो गया है, तो बोले आप अगर कर सकते हो तो ये आपका समय, अब आप इंदौर से कुछ अच्छा करो और आपके पास लोकेशन है, कलाकार हैं और आप खुद भी काबिल, तो इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद सकारात्मक सोच के धनी है आपके विचार, कहीं ना कहीं सभी को प्रभावित करते हैं, मुझे भी काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं कि हमारे इंदौर शहर में इतनी जीवटता के साथ काम करने वाले लोग हैं जो आगे जा सकते हैं आने वाले समय में। और अब तो सारा के सारा पूरा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल फ्रेश प्लेटफॉर्म कहेंगे, जो जितनी मेहनत करेगा, जिसके पास जितना अनुभव होगा वो उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। बंजारी जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में हिस्सा लिया, हमसे ढेर सारी चर्चा की, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह दीर्घायु हुए, आगे भी बढ़ते रहे और इंदौर शहर का माइलिया की नगरी का नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।